बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। लखनऊ से ताजा तस्वीरें आई हैं। अखिलेश यादव को रोका गया और वो लोहे की ग्रिल फांद गए। मौका जयप्रकाश नारायण की जयंती का था। इस मौके पर सफाईकर्मी प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, इसके लिए इजाजत मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। सुरक्षा का हवाला देकर गेट पर ताला जड़ दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने रुकने का नाम नहीं लिया, थमने का नाम नहीं लिया। तस्वीरें आपके सामने। इस मौके पर क्योंकि ताला जड़ा था गेट पर, ऐसे में वहां लगी लोहे की ग्रिल उसको फांद गए अखिलेश यादव। तस्वीरें आपके सामने हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती का मौका, सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, और इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश यादव जो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, इजाजत भी मांगी गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन इजाजत दी नहीं गई। उल्टा वहां पर जो गेट है उस पर ताला जड़ दिया गया, और इसी के चलते अखिलेश यादव की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव ने वहां पर जो लोहे की ग्रिल लगी हुई है, देखिए कैसे उस ग्रिल को फांदते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो सीधे सीधे सियासी तौर पर अब ये मामला गर्माता हुआ। जब प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी, तो आखिरकार उसका सम्मान अखिलेश यादव की तरफ से क्यों नहीं किया गया? क्यों अखिलेश यादव ये लोहे की ग्रिल फांदते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं? इसके जरिए क्या संदेश अखिलेश यादव की तरफ से दिए जाने की कोशिश की जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी, इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं संजय त्रिपाठी से अभी की तस्वीर क्या है यहाँ पर लखनऊ में। संजय, कहाँ है इस वक्त अखिलेश यादव? देखिए, बड़ी तादाद में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे और जयप्रकाश नारायण की को माल्यार्पण करने का आज उनका कार्यक्रम था। राजेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो पूरा इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करेंगे। उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत में JPNIC आता है, उससे परमिशन भी मांगी थी, लेकिन LDA ने इसकी परमिशन नहीं दी। गेट को बंद कर रखा गया था और साथ ही साथ कोई भीतर न जा पाए, इसके लिए टीम शेड भी वहां पर लगाया गया था। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और उन्होंने जब ये स्थिति देखी तो वहां हंगामा शुरू कर दिया, और थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने सहयोगियों और पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि गेट पर ताला बंद किया गया है, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की मदद से इस जो गेट है इसको फांद करके वो भीतर गए, और जहाँ पर जयप्रकाश नारायण का पूरा जीवन परिचय वहाँ रखा हुआ है, उनकी मूर्ति लगी हुई है, उनके चित्र लगे हुए हैं, वहां पर जाकर उनको माल्यार्पण किया। उसके बाद अभी तक लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, मौके पर बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जो पुलिस है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे कि कोई उपद्रव आगे न बढ़ पाए। बड़े आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने सरकार पर कि सरकार तानाशाही कर रही है। ये जो जयप्रकाश नारायण का स्मारक है, अभी भी अखिलेश यहीं भीतर मौजूद है, माल्यार्पण कर चुके हैं प्रतिमा पर, आप ये बता रहे हैं, और बाहर की तरफ यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, इस वक्त की यही तस्वीर है यहाँ लखनऊ में। संजय, बिल्कुल, अखिलेश यादव भीतर मौजूद है, उन्होंने माल्यार्पण किया और जो उनको श्रद्धांजलि देनी थी वो दी, और जो समाजवादी के तमाम पदाधिकारी थे वो भी उनके साथ मौजूद रहे, और कार्यकर्ता जो गेट पर जमे हुए हैं, पुलिस बल के साथ उनका थोड़ा मामूली टकराव भी हुआ है। भीतर जाने को लेकर के पुलिस ने लगातार रोक लगा रखी है, गेट बंद कर रखा है, ताला लगाया गया है गेट पर, और इन्हीं सब रवैये को लेकर के अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं। तो वापसी का रास्ता क्या होगा अखिलेश यादव का? क्या ताला खुलेगा या फिर वापस भी इसी तरीके से फांद कर आना पड़ेगा? और जब फांद कर वापस लौटेंगे तो प्रशासन ने जो कहा था वो तो माना नहीं है, तो क्या किसी तरीके का कोई एक्शन भी लिया जा सकता है अखिलेश यादव पर? देखिए, एक्शन की तो बात बाद में आएगी, लेकिन रोमाना अभी के जो हालात हैं उसमें जिस तरह अखिलेश यादव गेट बंद करके भीतर गए हैं वो वहीं जमे हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि अखिलेश यादव जब भीतर से बाहर आए तो ये जो गेट लगाया गया है इसको खोल करके उन्हें सम्मान बाहर निकाला जाए। इसी मांग को लेकर के लगातार वहाँ हंगामा और नारेबाजी हो रही है, और सभी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि ये ताला खुला जाए, जो अन्य कार्यकर्ता है वो भी भीतर सामान्य तरीके से जाए और जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दे। रोमाना, देखिए, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। दो देशों के इस टकराव दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। इसराइल का समर्थन करने वाले देश एक तरफ खड़े हैं, आतंक के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ जो देश खड़े हैं वो फिलिस्तीनी लोगों के आत्मसम्मान का हवाला दे रहे हैं। और ये वैचारिक बंटवारा हिंदुस्तान के भीतर भी तो दिखाई दे रहा है। हाँ, फर्क है कि यहां के नेताओं ने इस मुद्दे को धार्मिक हवा दे दी है,
अभी कुछ देर पहले AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। उधर इस जंग में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, अभी कितनी बर्बादी हो सकती है इसका अंदाजा इस वक्त कोई लगाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिनकी फितरत में ही राजनीति हो वो तो किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ते हैं। इस बीच इजराइल गाजा की जंग पर एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर ये कि जो नेवातम एयरबेस है वहां पर पहुंच गया है अमेरिकी विमान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इजराइल के समर्थन में ये अमेरिकी विमान पहुंचा है और अमेरिकी विमान के वहां पहुंचने का मतलब यह है कि इस विमान के जरिए सामरिक मदद है वो जाहिर सी बात है इजराइल की अमेरिका की तरफ से की जा रही है। साफ तौर पर खुलकर अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ पूरी दुनिया को नजर आ रहा है और पूरी दुनिया को बड़ा संदेश अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है, बाकायदा चुन चुन कर इजराइल जो है वो हमास के आतंकी ठिकानों का खात्मा कर रहा है। और एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। डिफेंस एडिटर आशीष सिंह, कैमरा पर्सन मान आप तक हर खबर हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, दुनिया को युद्ध की विभीषिका भी दिखा रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इजराइल के वॉर जोन में एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज की टीम लोकेशन के करीब रॉकेट गिरे, जहां पर एबीपी की टीम उसी लोकेशन के करीब रॉकेट गिरा था कुछ देर पहले, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी 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 यहां पर रॉकेट फायर किए गए हैं, लगभग मुझसे 100 मीटर दूर मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे आपको, जहां से धुआं निकल रहा है वहां पर ठीक कुछ समय पहले आके रॉकेट्स गिरे हैं। और पुलिस ने जाहिर सी बात है कि वहां पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और हमें भी यहां से मूव करने के लिए कहा गया है। हालांकि हम बंकर के काफ़ी नज़दीक हैं लेकिन इस जगह पर रॉकेट्स आके गिरना कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हमास के निशाने पर शुरू से ही रहा है और इस तरह के रॉकेट्स यहाँ पर गिरने का मतलब साफ है कि हमास पर जब बमबारी की जा रही है, जो कि हम पिछले कुछ मिनटों से दर्शकों को दिखा रहे हैं फाइटर जेट्स और ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से, उसके रिटेलिएशन में हमास की तरफ से यहाँ पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। पिछले अगर आप चार दिनों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए हैं। इनफैक्ट एक और अटैक हेलीकॉप्टर मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारे ठीक तरफ बढ़ता हुआ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर, और इस तरह से हम पिछले लगभग दो घंटे में यहाँ पर कई इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स देख चुके हैं। ये मतलब साफ है कि एस्किलोन शहर लगातार इस तरह की रॉकेट्स अटैक के लाइन ऑफ फायर में, जिसे कहते हैं, वो रहता है। और इसीलिए हमें बताया गया है कि अगर आप इस बंकर को, जो कि ये बंकर है, इससे अगर दूर हटेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगला बंकर आपका नज़दीक में कहाँ पे। और इस तरह के बंकर्स के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी बताया गया है यहाँ पे, कि आप किसी भी बंकर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, विशेष तौर पर तब जब आप एस्किलोन में हैं। और इसी बंकर के नज़दीक में हमें रहने के लिए कहा गया, और अगर यहाँ से हटे तो फिर आप जो और दूसरा नज़दीकी बंकर है वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा बंकर यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर दूर है। इसीलिए इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, हर मूवमेंट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। रॉकेट्स फायर न केवल इस तरफ हो रहे हैं बल्कि मेरी दाएं तरफ गाजा पट्टी है, केवल कुछ किलोमीटर ही दूर, और वहाँ पर भी रह रहकर हमें जो काले धुएं का गुबार और बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इस बात का सबूत है कि जो इजरायली फोर्सेज है, इजरायली एयरफोर्स विशेष तौर पर, वो बहुत ज़्यादा बमबारी आज गाजा पट्टी पर कर रही हैं। मैं परिचय कराती हूँ आपका, खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, मुफ्ती वजाहत कासमी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं, AIMIM के नेता दानिश कुरैशी जुड़ गए हमारे साथ, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है हम जनरल सोई का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि सर अभी जिस पेस में ये जो युद्ध चल रहा है, आज पाँचवें दिन में हम पहुँच गए, क्या लग रहा है आपको, कब तक किसी निर्णायक मुकाम पर पहुंचा जा सकता है? नहीं रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आशीष जी वाकई में ध्यान रख रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए, हेलमेट पहना हुआ है, बहुत जरूरी है एक इस हालात में ग्राउंड जीरो पे, कब कहां रॉकेट गिरे मालूम नहीं। दूसरी बात जो है कि जैसे आपने, कितना लंबा चलेगा ये, चलेगा, समय लेगा। आप देखिए पांचवा दिन है और अभी भी हमास रॉकेट फायर करने में सक्षम है,
यानी कि उनकी जो बेसिस है रॉकेट की बेसिस है जहां से, क्योंकि खुले इलाके से फायर करना पड़ता है, बंद इलाके से फायर नहीं कर सकते हैं, इसका बैक ब्लास्ट होता है, तो वो वहां पर अभी तक इसराइल इसमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में नहीं कामयाब हुआ है। हालांकि आयरन डोम है, हवा में बर्बाद करें, लेकिन हम देखें कुछ रॉकेट फिर भी पहुंच जाते हैं। तो एक ऑफेंसिव जो प्रोएक्टिव अप्रोच है उसको वहीं पे ख़त्म करने वाली बात में अभी सक्षम नहीं हो पाए। दूसरी बात आप देखेंगे कि वो बिल्टअप इलाका है, घर घर है, हालांकि काफ़ी डिस्ट्रॉय करें, लेकिन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उन बिल्डिंगों के पीछे से, मलबे के पीछे से भी वो फायर कर सकते हैं, जैसे उनकी कार्रवाई रहेगी कि एम्बुश करें, फायर करें। तीसरी बात है वहाँ टनल्स का जाल बिछा हुआ है नीचे, अगर ये बिल्डिंगें गिरे भी हैं तो नीचे पूरे टनल, जिसका पता हमास को पूरी तरह से है, प्रैक्टिस की हुई है, कहाँ से घुसे, कहाँ सेना आई, पीछे से निकल गया है, तो इजरायली सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। एक बात और है कि वहाँ जो सिविल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसका कि अगर उनको कैजुअल्टी होती है तो यहाँ पे जो हमास चाह रहा है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस यू, ये बात को करने की कोशिश होगी। ये जो बात आप कह रहे हैं ना सर, मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन विनोद सर का यहाँ पर लेते हैं कि ये जितना लंबा खींचेगा उतना फायदा यहाँ इसराइल के मुकाबले क्या हमास को मिलेगा? विनोद जी, नहीं, जाहिर है जब ये कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, लंबी चलेगी, उतना ही वर्ल्ड पावर्स का ध्यान अल्टीमेटली जाएगा। हमास ने हमला क्यों किया हमें समझना चाहिए। हमास ने लंबी तैयारी के बाद ये हमला इसलिए किया कि पिछले कई वर्षों से जो पैलेस्टीन का इशू है वो एक तरह से बैक बर्नर पर चला गया था और उसके बारे में बात ही बंद हो गई थी। यूएन में रेजोल्यूशन आते थे, पास हो जाते थे, उसके बाद आगे बढ़ रहे थे। अब इस हमले के बाद जिस तरह से तबाही हुई है दोनों तरफ, तो अब ये पूरे विश्व के का एक तरह से ये इशू केंद्र में आ गया है। अब कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन वर्ल्ड पावर्स को करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशंस को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये लड़ाई कब तक चलेगी? यूक्रेन वाली चली रही है अभी, ये दूसरी शुरू हो गई। इस तरह के अगर डिफरेंट वॉर जोन बन गए दुनिया में, तो जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा हम लोग देखते हैं तो दुनिया कहीं उस तरफ न पड़ जाए, ये एक बड़ा खतरा है। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी जल्दी ये इशू रिजॉल्व हो उतना ही सबके हक में है। लेकिन वो रूस यूक्रेन वाले युद्ध वो कब से चल रही है, अभी तक लगातार जारी है, और ऐसे में यहाँ पर ये इसराइल और फिलिस्तीन वाला जो मसला है, अभी इस वक्त हमास आतंकवादी संगठन उसने हमला किया, लेकिन ये भी पिछले दो इंतफात तो हम देख चुके हैं और इस बार भी माना जा रहा है कि तीसरे इंतफात की तरफ ऐसा लग रहा है कि मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें हल की वो हल जिसका कहीं ना कहीं उम्मीद यहाँ पर विनोद जी करते हुए नजर आ रहे हैं, उस हल की उम्मीद कितनी नजर आती है इस वक्त? वॉर जोन की तस्वीर क्या है आशीष? रोमाना, इनफैक्ट अभी हम ठीक उस जगह पर आ गए हैं जहां से मेरे कैमरामैन इनफैक्ट पैन करके दिखाएंगे, ठीक ये वही रास्ता है जहां से हमास एंटर किया था, हमास के जो आतंकी थे, और यही वो इलाका है। इनफैक्ट हम आगे जाके आए हैं जहां पर हमें फिल्म करने के लिए, शूटिंग करने के लिए मना किया गया था, लेकिन यही वो इलाका है जहां से इजरायली आर्मी कूच करेगी आगे हमास की तरफ जब भी उन्हें ऑफिशियल ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरे दाईं तरफ कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, कुछ समय पहले यहाँ पर रॉकेट्स गिरे हैं और वहाँ से काला धुआं निकलता हुआ दिख रहा है मुझे, और ये साफ बात है कि यही एक मेन इम्पॉर्टेंट रोड होगा जहाँ पे जहाँ से इजरायली आर्मी कूच करेगी हमास की तरफ, और आपको तैयारियाँ यहाँ पे ज़रूर दिखाई देंगी, जो पूरी एक मैं कहूँगा कॉन्वॉय गाड़ियों का आपको दिखाई देगा। मेरे दाईं तरफ कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे, यहाँ से जितनी भी साजो सामान की ज़रूरत होती है या फिर खाने पीने के सामान की और जो असला बारूद है वो सब कुछ यहाँ पर जुटाया जा रहा है। इसके ठीक आगे लगभग 600 से 700 मीटर दूर मैं अभी जस्ट मैं और कैमरामैन मान वहाँ से जाकर आए हैं जहाँ से मिलिट्री बेस प्रिपेयर कर रहा है आगे की तरफ कूच करने के लिए जब भी उन्हें ऑर्डर मिलेगा, और इस पूरे एरिया को उन्होंने कॉर्डन किया हुआ है, और इसी यही वजह है कि यहाँ पर आगे इस बैरिकेड के आगे फिल्म नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि क्या कुछ तैयारी है इजरायली आर्मी की तरफ से। इनफैक्ट एक और धमाका मुझे भी सुनाई दिया, मेरे दाईं तरफ आपको गाज़ा में यानी कि आपके टीवी स्क्रीन के लेफ्ट तरफ आपको जो एरिया है वो गाज़ा पट्टी है, और यहाँ से सबसे नज़दीकी पॉइंट होगा जो इजरायली आर्मी है उसे आगे कूच करना हो तो जो मैं बेस की बात कर रहा था। इनफैक्ट रोमाना, मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, कुछ और आर्मी मूवमेंट यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, और एग्जैक्टली इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था सुबह से कि बहुत ज़्यादा यहां पर डिप्लॉयमेंट है और जो तैयारियां हैं वो साफ साफ दर्शा रही हैं कि
कुछ बड़ा करने की तैयारी इजरायली आर्मी जरूर कर रही है, और जिसके संकेत बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही दे दिए थे। ये अमूमन मैं कई मिलिट्री बेसिस में इंक्लूडिंग फॉरेन आर्मी के बेसिस जा चुका हूं, लेकिन जो मैं देख के आया हूं यहां से 600 मीटर आगे वो काफ़ी ज़्यादा तैयारी है। मुझे बताया गया है कि स्पेसिफिकली ना फिल्म करना है ना उसके बारे में डिटेलिंग बतानी है, लेकिन मैं दर्शकों को सुरक्षा के लिहाज से मामला संवेदनशील है इसीलिए इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस जो वहां पर लगाई जा रही हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे सहयोगी आशीष सिंह दे रहे हैं जो खुद वहां वॉर जोन पर मौजूद हैं कि साहब एस्कलोन में उस जगह पर एबीपी न्यूज और आशीष सिंह मौजूद हैं जहां से अगर इसराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते हैं तो बिल्कुल यही वो पॉइंट है जहां से मूवमेंट होगा इसराइल की फोर्सेस का। ये जिस जगह पर आशीष सिंह मौजूद हैं एक तरीके से आप समझिए वो जो गाजा पट्टी है उसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है बिल्कुल बॉर्डर का इलाका, मतलब चंद किलोमीटर के फासले पर यहां से गाजा शुरू हो जाता है उत्तरी गाजा वाला इलाका। इस बीच एक और बड़ी खबर में जल्दी से आपको बता दूं, इसराइल पर फिलिस्तीन ने बड़ा आरोप लगाया है, फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप जो लगाया जा रहा है इसराइल पर फिलिस्तीन की तरफ से। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया है, फॉस्फोरस बम गिरा रहा है इसराइल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। देखिए इस तरीके की जो हथियार होते हैं उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, मानवता के लिहाज से ये बेहद खतरनाक हथियार, इसी वजह से इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया जाता। लेकिन हमने देखा है इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी इस तरीके के आरोप दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगाए गए कि साहब फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब यहां पर भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। फिलिस्तीन की तरफ से इसराइल पर आरोप लगाया जा रहा है कि इसराइल जो है वो फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए गाजा में इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है, अब तक हमास के 2294 ठिकानों पर हमला इसराइल की तरफ से किया गया है, और ये जो ठिकाने हैं चुन चुन कर इसराइल इनको निशाना बना रहा है। एयर स्ट्राइक्स लगातार इसराइल की तरफ से की जा रही है, हमास के ठिकानों पर ये बम्बार्डमेंट जो इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। हमास पर इसराइल के हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया, इसराइल ने हमास के जो नौसैनिक ठिकाने हैं उन्हें भी तबाह किया है। गाजा में इसराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, अब तक हमास के 2294 ठिकानों को नेस्त नाबूद इसराइल कर चुका है। हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मुश्किल हालात इस रूप में बने हुए हैं कि वो जो बंधकों की समस्या है, वो जो होस्टेज क्राइसिस, उसने इस सिचुएशन को इसराइल के लिए थोड़ा पेचीदा और कुछ उलझा हुआ बना रखा है। और अब तैयारी इसराइल की ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देने की, उसी को लेकर क्या है इसराइल की तैयारी, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर जोन में। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और बिल्कुल जो गाजा पट्टी है उसका जो उत्तरी हिस्सा है उससे लगता हुआ जो इसराइल का शहर है एस्कलोन, वहीं पर बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक आप देख रहे हैं इस वक्त आशीष मौजूद है हमारे साथ। आशीष बिल्कुल रोमाना और दर्शकों को मेरे कैमरामैन मान पैन करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली ये वही रास्ता है जहां से जब हमास के आतंकी आए थे तो भी वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करके आए थे। इनफैक्ट मुझे कई गाड़ियां आगे दिखी जो कि जिस पर गोलियों के निशान थे, यानी कि उन्हीं गाड़ियों से हमास के आतंकी बंधक बनाकर ले गए हैं। और जिस तैयारी की मैं बात कर रहा हूं वो ये तैयारियां यहां पर दिख रही हैं जो इजरायली आर्मी की तरफ से आगे की कूच को लेकर। एग्जैक्टली देखिए मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके राइट साइड में दिखाएंगे कि जो बैरिकेटिंग यहां पर की गई है वो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से आगे मूवमेंट न हो, हमास के आतंकी अगर एक बार फिर घुसने की कोशिश करें तो वो नहीं आ पाए, और आगे जो सिविलियन मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, और जाहिर सी बात है कि फिल्मिंग तो उस एरिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बड़ी बड़ी क्रेन्स लेकर जा रहे हैं, इनफैक्ट ये देखिए मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगा कि जिस तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ ये तैयारियाँ यहाँ पर देखने मिल रही है। कई टैंक्स हमें दिखाई दिए जो इस रास्ते में अंदर जा रहे हैं, और ये साफ दर्शाती हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से संकेत आए थे कि कंप्लीट सीज ऑफ गाज़ा, ये उनका एक फाइनल मकसद है, और उसी मकसद को लेकर जितनी भी तैयारी होती है उसके संकेत उसके चिन्ह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल से यहाँ से 200 से 250 मीटर दूर में दाईं तरफ जो समुद्री इलाका है वो शुरू होता है, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉयड है, वो इसलिए क्योंकि
जो हमास के मैरीटाइम जो ग्रुप है वो भी कई बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इजरायली नेवी को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने भी कई हमास के समुद्री रास्ते से भी जो होते हैं जो अटैक हुए थे उन्हें न्यूट्रलाइज़ किया था, और ये साफ संकेत है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में इजरायली आर्मी कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रही है। देखिए मिलिट्री के डोमेन में अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल पैटर्न सा भी देखने मिलता है कि जब हवाई बमबारी हो आप ये समझ जाइए कि ग्राउंड मूवमेंट की तैयारी हो रही है, ताकि जब भी आर्मी अंदर जाए तब बहुत ज़्यादा उन्हें रेजिस्टेंस नहीं मिले, उन पर कोई बहुत ज़्यादा अटैक नहीं हो। और जो अभी हवाई हमले की बात हम कर रहे हैं ये लगभग जो सुबह से मैंने अब तक लगभग 15 से 20 बड़े धमाके सुने हैं जो कि गाज़ा पर हवाई हमले के, और दर्शकों को एबीपी न्यूज़ पहला न्यूज़ चैनल है जो इजरायली आर्मी के फाइटर जेट्स ड्रोन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी लाइव हमने दिखाए हैं, वो सीधा अटैक करते हैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर में दाएँ तरफ गाज़ा की तरफ, और फिर वो सीधे टेल अवीव और दूसरे एयर बेसिस की तरफ मूव कर जाते हैं। काफ़ी लो भी फ्लाई कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें बहुत ज़्यादा डर नहीं है हमास की तरफ के, हमास के पास तो कोई बहुत एयरफोर्स वाली पावर है नहीं। देखिए यही इसी इन्हीं तैयारियों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मशीनरी और लाभ लश्कर यहाँ पर डिप्लॉय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगले 2 से 3 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा जब इस पूरे लाभ लश्कर और मशीनरी की जो तैयारी की जा रही है वो आगे हमें गाज़ा की तरफ इजरायली आर्मी की कूच की तरह कूच के रूप में दिखाई दे। इनफैक्ट एक और बॉम्बिंग की हमें आवाज़ आ रही है और फाइटर जेट की भी आवाज़ आ रही है, यानी कि एक और बॉम्बिंग मिशन या तो जस्ट कंप्लीट किया गया है या फिर अभी बॉम्बिंग के लिए फाइटर जेट वहाँ पर मूव कर रहा है। ये एक मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सिचुएशन एटलीस्ट पिछले कुछ सालों में देखा गया है जहां पर इजरायली एयरफोर्स इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि जनरली रॉकेट्स या फिर मिसाइल्स के ज़रिए ही कुछ 5 या 10 ज़्यादातर ठिकाने अगर हमास के निस्तो नाबूद करने होते हैं तो रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो हमने सुबह से दर्शकों को दिखाया फाइटर जेट्स अटैक हेलीकॉप्टर ड्रोन सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसकी तस्वीरें भी इजरायली एयरफोर्स रिलीज़ कर रही है उसमें से कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है यहाँ पर, इसराइल के लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं, 3 लाख से ज़्यादा रिजर्व ड्यूटी के लिए जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और यही मेरे पीछे जी जो दर्शकों को एक बार फिर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो तैयारियां हैं ये उसी की देखने मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। वॉर जोन में आप हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो पल पल का अपडेट वॉर जोन से, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशीष लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। और जिस बात का जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि साहब इसराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गाजा का जब तक कंप्लीट सीज ना हो जाए, जब तक हमास के आतंक का पूरी तरीके से सफाया ना हो जाए, इसराइल रुकेगा नहीं। इस बीच जरा खास मेहमानों का मैं रुख करती हूँ, और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप? कासमी साहब, ये एक तरफ जब इसराइल हमास के आतंक का जवाब दे रहा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसराइल की क्रूरता के खिलाफ प्रतिक्रिया दी जाती है, और वो कहते हैं कि साहब हमास की कार्रवाई को आतंकवादी कहना अन्याय है। सर इसे किस रूप में देखा और समझा जाए? देखिए रोमाना जी, पहले दो मसलों को अलग अलग कीजिए ताकि ये गुमराही ना हो सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये मुस्लिम स्कॉलर्स या IMU में जो कुछ हो रहा है वो फिलिस्तीनी कौम की हमदर्दी में और फिलिस्तीनी उम्मा की हमदर्दी में है, और पूरी दुनिया को फिलिस्तीनी कौम से, बैतुल मुकद्दस से हमदर्दी है, मुझे भी है और होना चाहिए। लेकिन अच्छे खासे माहौल को हमास ने ख़राब किया है, और मैं ये बताना चाहूँगा ABP के दर्शकों को कि हमास को फिलिस्तीन ने बहुत लंबे ज़माने तक कबूल नहीं किया था, अभी कुछ दिन से ही फिलिस्तीन के लोग उनको कबूल करने लगे हैं, चूँकि वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी जोर ज़बरदस्ती और बहुत सारे हालात हैं, और अच्छे खासे माहौल को हमास ने ख़ुद से ख़राब किया है। और दोनों तरफ मैं कहूँगा कि फिलिस्तीनी बच्चे, फिलिस्तीनी बड़े बूढ़े और औरतें कितने जुल्म उनके साथ हो रहे हैं, इसराइल के साथ, सिविलियन के साथ कितने जुल्म हो रहे हैं। दोनों तरफ इंसानों की तादाद मरने की बहुत लंबी चली गई है, 5,000 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं, लेकिन लोगों को शर्म नहीं आ रही है और अभी भी यहाँ सियासी और राजनीतिक बातें हो रही हैं।
मेरा ख्याल ये है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करके ईरान जो उसको मदद कर रहा है, लेबनान में हिजबुल्ला को कर रहा है, और ये जो हालात अभी दुनिया के अंदर बिगाड़ पर आए हैं और दुनिया एक वॉर की तरफ जा रही है, जंग की तरफ जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमास के ऊपर जाती है और ईरान के ऊपर जाती है साथ साथ। वो जो और फर्क वो करने वाली आपने बात कही है कि साहब फिलिस्तीन और हमास के आतंकवाद का फर्क कीजिए सर, तो मेरा सवाल तो यही है सर कि इस देश के अंदर इस्लामिक स्कॉलर, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये फर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये फिलिस्तीन की हिमायत में तो बयान जारी कर रहे हैं, ये हमास के आतंकवाद के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते हैं सर? कौन इनके मुंह पर ताला जड़ देता है सर? क्यों खुलकर सामने नहीं आते और हमास के आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं? क्यों सर? इसराइल के अंदर जिस तरीके से मासूमों को मौत के घाट में उतारा गया सर, वहां पर औरतों के कपड़े नोचकर उनको बिना कपड़ों के सड़कों पर घुमाया गया सर, वहां पर छोटे छोटे बच्चों के गले काट दिए गए सर, उनको जिंदा जला दिया गया सर, इस पर कौन चुप्पी चढ़ता है सर? फर्क कौन करता है सर? ये सवाल है। मैं इसी का जवाब दे रहा हूं रोमाना जी, मैं रोमाना जी इसी का जवाब दे रहा हूं। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि हमास ने जो कुछ इसराइल में किया, अगर वाकईतन ये इस्लाम का पैगाम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सज्जाद नौमानी जैसे लोग जो कुछ हमास की हिमायत कर सकते हो करें। अल्लाह की कसम, ना ये कल इस्लाम था, ना आज इस्लाम है और ना ये कल इस्लाम होगा। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है जो हमास की तरफ से किया जा रहा है, और इसीलिए मेरा ये सवाल है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लाम का परचम ऊपर रखने की बात करता है, उसकी तरफ से हमास के इस आतंक को लेकर कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा? वो क्यों सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन 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 की बात कर रहा है? जो हमास ने किया उसको लेकर भी तो मुंह खोलिए, दो शब्द बोलिए। तो गाजा वॉर का पांचवा दिन है आज। एक तरफ इजराइल जो हमास के आतंक का खात्मा करने में जुटा हुआ है और दूसरी तरफ देश में इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवम, ये इजराइल और हमास के बीच जो घमासान है, इसको लेकर देश में आपको लगता है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है? मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स बिल्कुल की जा रही है। अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं, पार्टी भी हैं, मैं तो कहता हूं कांग्रेस ने जो CWC के बाद जो चिट्ठी जारी की है, अगर उसको कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा जैसे इसराइल पर तो हमला हुआ ही नहीं है या फिर वहां पर तो जो है अटैक्स हुए ही नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है आतंकवाद को लेकर हमेशा जीरो टॉलरेंस रही है। हम वो देश हैं जो सबसे ज्यादा ग्रसित, सबसे ज्यादा पीड़ित जो है आतंकवाद से रहा है। अटल जी के जमाने में या फिर उससे पहले जब हम दुनिया में जाकर आतंकवाद के बारे में बताते थे तो लोग कहते थे नहीं नहीं, इनका इंटरनल इशू है या फिर कश्मीर को लेकर इशू है या फिर लैंड इशू है या फिर पड़ोस का इशू है। लेकिन नहीं, जब वेस्ट नहीं मानता था लेकिन आज पूरी दुनिया मानती है। मैं मानता हूं कि आतंकवाद को कंडेम करने के लिए एक ही भाषा होनी चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार ने साफ कहा है, मैं मानता हूं इस समय आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। राजनीति जो आपकी नेशनल पॉलिटिक्स है वो पूरा जीवन चलेगी, आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। हम जल्दी से रुक करते हैं, दानिश कुरैशी AIMM के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दानिश कुरैशी साहब, ऐसा क्यों होता है कि मुसलमानों की हिमायत करने के चक्कर में आप लोग सब आतंकवाद के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, दरअसल बात यह है कि शिवम जी ने बहुत सारी बातें की हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और न जाने क्या क्या कहा। इनके स्टैंडर्ड्स आपको पता होगा, अफगानिस्तान के मामले में मोदी जी सरकार के वक्त में क्या हुआ, तालिबानों को लेकर कल का स्टैंड क्या था उनका और आज का स्टैंड है, तो इस तरीके के मामले उनके रहे। दूसरे नंबर की बात कि अगर इतना बड़ा मामला है, आप देखिए कि जो घटना घटी वो निंदनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है जो पहले दिन की घटना घटी, लेकिन उसके बाद की बात अगर की जाए तो क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई मामला आया कि इस तरह के फास्फोरस बम जो जिसके आपने लाइव सर, अगर मैं पलट कर आपसे पूछूं कि जो पहले दिन की घटना थी जिसकी वजह से सब कुछ ट्रिगर हुआ, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई सर? आतंकवाद के खात्मे को लेकर आप लोगों ने कहां दम या हुंकार भरी सर? हमास का सफाया हो, इस तरीके की कोई एक भी अपील आप लोगों ने क्यों नहीं की सर? ये वो बड़े सवाल है ना सर, जिसका जवाब देना चाहिए और इसके जवाब खुद जब आप अपने गिरेबान में झांकेंगे तभी दे पाएंगे।